बुकमैस गार्डन वॉलेट एपिसोड 6 का प्रोमो जो है वो आ चुका है और प्रोमो बहुत ही ज्यादा लेवल का है। इस प्रोमो के स्टार्ट में दिखाया गया था कि लीकू और रॉय जो थे वो मैथ्यू के साथ बैटल कर रहे थे। यहाँ पर कैरल एज वर्सेज स्प्रिगेटिटो फोको की हमें बैटल देखने को मिल रही थी और जो फोको और स्प्रिगेटिटो थे वो बड़ी बुरी तरह कैरल एज से हार रहे थे। उसके बाद फिर अचानक हमें देखने को मिलता है कि कैरल एज होता है वो इन पर स्पेशल अटैक अपना यूज कर और ये दोनों जो होते हैं ये हार जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉय की जो पोके बॉल होती है मिस्टीरियस पोके बॉल वो शाइन करने लग जाती है। उसके बाद लीकू का पैनेट जो होता है उससे भी हमें शाइन देखने को मिलती है। तो रॉय की जो पोकेबॉल होती है वो अनलॉक हो जाती है और उसमें से एक लाइट निकलती है, यानी पोकेबॉल जो होती है वो ओपन हो जाती है और लाइट जो होती है वो स्काई को जाके हिट करती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो पोकेबॉल है उसके अंदर जो भी है पोकेमोन वो बाहर आ चुका है, यानी शाइनी रुक्वेजा। तो यहाँ पर एक बात शो हो रही है कि इस एपिसोड में इस पोकेबॉल में हमें शाइनी रुक्वेजा जो है वो देखने को मिलने वाला है, ऐसा पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइट इस पोकेबॉल से निकली है ये जाके सीधी रुक्वेजा को हिट करे तो फिर रुक्वेजा जो हो वो हमें देखने को मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद फिर सब जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, रॉय जो पोकेबॉल है उससे ये लाइट कैसी निकल रही है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोमो जो होता है वो एंड हो जाता है।